अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं DH ग्राफिक यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने मजीद इलस्ट्रेटर के बारे में, ठीक है। मैं इलस्ट्रेटर ऑन कर रहा हूँ। कल हमारी क्लास इधर एंड हो गई थी, अब मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल हमने ये पैटर्न बनाया था, अभी हम इसमें कलर फिल करेंगे, ठीक है। कि कलर किस तरह फिल करते हैं। अभी ये है, ये वाला है फिल कलर और इसके साथ वाला स्ट्रोक कलर, ठीक है। अभी फिल कर रहे कलर, हम इसको इसका हम स्ट्रोक कलर देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक कलर पर क्लिक किया और इसको मैं ये वाला कलर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक को यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। और फिल कलर तो मैं फिल कलर पर क्लिक करता हूँ और इसको हम फिल कलर दे देते हैं ब्लैक, ठीक है। ये हमने इसको फिल कलर ब्लैक दे दिया, ठीक है। ये देखिए आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न बन गया, ठीक है। ये देखिए आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो इसका अंदर वाला कलर है इसको बोलते हैं फिल कलर, ठीक है। ये साइडों पे जो इसको बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक हो गया। यह है हमारा स्ट्रोक कलर। और अगर आप इसको चाहते हैं कि इसके अंदर कोई और कलर चेंजिंग करना, तो उसके लिए हम शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। और इनमें से कुछ को मैं इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जिसको मैंने सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये इसका कलर पैनल है, इधर से भी आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। और इधर से भी दे सकते हैं कलर, ठीक है। अभी हम इसको रेड कलर देते हैं, ठीक है। ये देखें जिसको मैंने शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया था उनको कलर आया है, ठीक है। कितना अच्छा पैटर्न बन गया आपके सामने। अभी हमारा बेसिक है, इंशाल्लाह आगे आगे और भी मजीद हम देखेंगे। उसके बाद ये हमारा हो गया सिलेक्शन टूल कंप्लीट, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी हम लेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट का मैं बताता हूँ कि इसको बोलते हैं पाथ, जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है पाथ, और ये एंकर पॉइंट है, ठीक है। ये आपको साइड पे नज़र आ रहा है, इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये देखें साइड पे जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, इनको एंकर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये फ़ायदा है कि हम इसको एक पॉइंट को सिलेक्ट करके और फिर हम इसको किसी भी तरह से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरफ हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अभी मैं ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल, ठीक है। और मैंने सिलेक्शन टूल लिया है, ठीक है। और इसकी ऑल्ट प्रेस करके कीबोर्ड से कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, फिर जस्ट एक को मैंने सिलेक्ट किया है और इसकी ऑल्ट प्रेस करके कॉपी लिए, ठीक है। अभी बड़ी मज़ेदार चीज़ बनने वाली है, आप देखिए तो सही। और अभी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और पाथ पे क्लिक करके इनको इसको थोड़ा डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको सिलेक्ट करके पाथ पे क्लिक करके और इसको इसके साथ मिला रहा हूँ, ठीक है। ये आपके सामने एक बॉक्स बन गया, ठीक है। अभी हमने ये करना है
ये तीन पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये तीन एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इनको सिलेक्ट करना है। फिर एक एंकर पॉइंट से पकड़ के हमें इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, ठीक है। ये आपके सामने एक बॉक्स बन गया है, ठीक है। अभी हम लेते हैं इसकी, सॉरी, सिलेक्शन टूल लेना है, ठीक है। और हम इसके लेते हैं ऑल्ट प्रेस करके कॉपी, ठीक है। फिर इसके जो नीचे वाले सिलेक्शन टूल लेना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, और इसके नीचे वाले तीन पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये नीचे वाले जो तीनों पॉइंट, इनको करना है सिलेक्ट, ठीक है। फिर इसको एंकर पॉइंट से पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। फिर सबको सिलेक्ट करना है। ये बॉक्स का ढक्कन बन रहा है, फिर सबको सिलेक्ट करना है और पकड़ के इसके ऊपर लगा देना है। ये देखो, ये बॉक्स बन गया और इसका ऊपर वाला ढक्कन, ठीक है। आप चाहें तो इसको कलर भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कलर दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसके ढक्कन को मैं ये वाला कलर देता हूँ, ठीक है। फिर इसको ये वाला कलर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट किया और इसको ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। देखिए, बन गया ना बॉक्स। अब अगर आप चाहें तो आप नीचे वाले को भी अभी कलर दे सकते हैं, ब्लैक, येलो, कोई भी कलर आप दे सकते हैं, ठीक है। देखें, ये आपके सामने एक बॉक्स बन गया है उसी स्क्वायर से, ठीक है। और आपको बताऊं, ये जो पिंक कलर का पाथ लिखा आ रहा है ना, ये ऑन रखनी पड़ती है, ये व्यू में जाके स्मार्ट गाइड ऑन रखनी पड़ती है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो मतलब चीज़ है वो बिल्कुल सेंटर में बन रही है, मतलब जो भी हम चीज़ बनाएंगे तो उसकी गाइडलाइन हमें देगा, स्मार्ट गाइडलाइन, ठीक है। जैसा कि मैं ये लाइन सेगमेंट लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने इसकी कॉपी लेनी है, तो ऑल्ट प्रेस करके पाथ पर क्लिक करके कॉपी, ये देखो, ये दरमियान में जो लाइन आ रही है ना पिंक कलर की, इसको स्मार्ट गार्ड बोलते हैं। ये स्मार्ट गाइड ऑन रखना पड़ता है, फिर आता है ये। ये देखिए, आपके सामने एक हो गया लाइन, ठीक है। अभी तो हमारा बेसिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे जैसे हम चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाएंगे। आपको ये इस डिब्बे को मैं छोटा करके साइड पर रख रहा हूँ, ठीक है। और आपको टूल के बारे में बताऊँ, ये मैजिक वैन टूल है। इसका आपको मैंने काम बताया भी था, चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल लिया, इसकी काफ़ी ज़्यादा मैंने कॉपी ले ली, ठीक है। ये तीनों की मैंने कॉपी ली, तीनों की मैंने कॉपी ली, ठीक है। और इसको, इन दोनों को मैंने कलर दे दिया ये वाला, ठीक है, रेड। और इसको
ब्लू दे दिया, ठीक है। अभी ये मैजिक मैजिक वैंड टूल का पता क्या काम, ये कलर को कम्बिनेशन को सिलेक्ट करता है। जैसे ये दोनों सेम कलर है, दोनों को एक साथ एक दफ़ा क्लिक करने पे सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका कोई और कलर नहीं है, तो इस वजह से सिलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो डिब्बा डिब्बे के ऊपर था कलर इस तरह का, इसलिए इसको क्लिक कर रहा, ठीक है। इसका ये काम है मैजिक वैंड टूल का। दो तरह के कलर जो भी होंगे ना, उनको ये एक ही दफ़ा सेलेक्ट करने पे दोनों को क्लिक करेगा, ये देखिए, ठीक है। ये मैजिक वैंड टूल का काम है। और ये लेसो टूल है, लेसो टूल का भी तकरीबन यही काम है, फ्री हैंड यूज़ होता है बिल्कुल। ये मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके मैंने कॉपी ली है, ठीक है। अब ये लेसो टूल का ये काम है, ये बिल्कुल फ्री हैंड यूज़ होता है, ये देखें, बिल्कुल फ्री, जस्ट माउस के प्रेस करने से। ये देखें, इसने सेलेक्ट कर लिया है तीनों। अगर हम दोनों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये दो ने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं लेसो टोन, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पेन टूल और पेन टूल के क्या क्या मतलब चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक है। पेन टूल ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इलस्ट्रेटर में, ठीक है, हद से ज़्यादा पेन टूल यूज़ होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।